हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट टू डू आफ्टर ट्वेल्थ आर्ट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या करियर ऑप्शंस आपको अवेलेबल है और क्या क्या कोर्सेज आप कर सकते हैं आफ्टर योर ट्वेल्थ आर्ट्स। ये स्टार्ट करने से पहले एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहूँगी कि आप कोई भी कोर्स या फिर सब्जेक्ट चूज़ करें तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करें, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो। अगर आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर करते हैं कि आपके फ्रेंड्स क्या ले रहे हैं या किस में ज़्यादा इनकम है, किस में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपको बस रिग्रेट ही होना है ज़िंदगी भर। और ग्रेजुएशन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, आपके करियर का सवाल है। सो दैट्स ऑल। तो हमारा पहला कोर्स जो है वो है BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ये बहुत ही कॉमन और पॉपुलर कोर्स है। सिर्फ ट्वेल्थ के बाद सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स के बच्चे नहीं, साइंस और कॉमर्स के बच्चे ही BA लेते हैं। और इसका रीज़न एक ये भी हो सकता है क्योंकि BA करने के बाद आपका जो है सिविल सर्विस का बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाता है, तो ज़्यादातर लोग BA इस रीज़न से भी लेते हैं। और BA में बहुत सारी वैराइटीज़ है, जैसे कि आप प्लेन BA प्रोग्राम कर सकते हैं, आप ऑनरिंग सब्जेक्ट लेके कर सकते हैं जिसमें आपको जनरल इलेक्टिव लेना होगा। तो ये हो गया। उसके बाद फिर आप जो है BA करने के बाद अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, जैसे कि जो कि होता है वो होता है MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स, या फिर आप अपना BEd कर सकते हैं अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो। तो हमारा दूसरा जो करियर ऑप्शन के लिए हमने कोर्स सेलेक्ट किया है वो है BFA, बैचलर ऑफ़ फाइन आर्ट्स। बैचलर ऑफ़ फाइन आर्ट्स भी बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है और इसमें बहुत ही प्लेथोरा ऑफ यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ है, करियर अपॉर्चुनिटीज़। पर आपको ये कोर्स तभी लेना चाहिए जब आपको इस कोर्स में इंटरेस्ट है। और इसके लिए कुछ क्वालिटीज़ है जो कि मैं आज आपको बताऊँगी, और वो क्वालिटीज़ ये है। अगर आप बहुत क्रिएटिव हैं, आपकी आर्टिस्टिक स्किल्स, विजुअलाइजेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी है और आपको लगता है कि इसको थोड़े से अगर आप ग्रूम कर दोगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। और इसमें बस ऐसा ही नहीं है कि आप अगर आप फाइन आर्ट्स करेंगे तो आपको बस एनिमेशन में जाना है। आप बन सकते हैं क्रिएटिव राइटर, आप एक ड्रामा में, थिएटर में, या फिर आप एक्टर बन सकते हैं, प्रोफेसर या फिर टीचर के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगेन, ओनली इफ आप में ये सारी क्वालिटीज़ हैं, आप क्रिएटिव और आपको लगता है कि ये आपके लिए बेस्ट होगा, तभी आप इसको ऑप्ट करें। क्योंकि आजकल एनिमेशन को और इसको फाइन आर्ट्स को बहुत ज़्यादा ये सिनोनिम्स होते जा रहा है क्लास और प्रेस्टीज के साथ, तो इसीलिए आप उसको कंपेयर ना करें और अपने करियर के बारे में सोच के डिसीजन लें, वरना आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। हमारा तीसरा कोर्स जो है वो है BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ये भी बहुत ही पॉपुलर कोर्स है और इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि तीनों स्ट्रीम, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम हो, आपको इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं बहुत आराम से। और ये उन्हीं लोगों के लिए ये कोर्स है। मैं बता देती हूँ क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आप में अगर आप ये लेना चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एक है टाइम मैनेजमेंट को लेके आप में है स्किल्स है, अगर आप टीम स्पिरिट है आप में, अगर आपको लगता है आपके अंदर बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप बहुत अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी तरीके की, और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है और आपके अंदर वो सब क्वालिटीज़ है जो कि एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन या वुमेन के अंदर होनी चाहिए और वो उसको बस ग्रूम करना है और एजुकेशनल बेसिस पे चाहिए, तो आपको ज़रूर से ज़रूर ये कोर्स ऑप्ट करना चाहिए का जो है आपकी जो भी एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स है वो इन्हांस और ग्रूम करती है। अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आप बन सकते हैं HR मैनेजर, HR एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड वॉट नॉट। और अगर आपको आगे भी पढ़ाई करनी है तो आप कर सकते हैं मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो फोर्थ कोर्स जो है वो है BA LLB का इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स। ये भी बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है और इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को लॉ में बहुत इंटरेस्ट है, उनको पता है कि उनको यही करना है और उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है लॉ, तो वो ये कोर्स ज़रूर से ज़रूर करें। क्योंकि ये करने के बाद जब जस्ट आपके कोर्स के बाद ही आप बार के एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हैं टू अर्न योर लाइसेंस ऑफकोर्स, और उसके बाद आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है कि आप अपना BA LLB और साथ में कर ले, और आपका ऐसा भी नहीं कि कोई एक चीज़ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, आपका दोनों चीज़ ही साथ ही साथ चलेगा। BA भी आपके बहुत अच्छे से होगा और LLB आपके अच्छे से करा दिया जाएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है फॉर दोस्त जिनको कि लॉ में फ्यूचर बनाना है। हमारा फिफ्थ कोर्स जो है वो है BJM, बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास मीडिया। ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है अगर आपको जर्नलिज्म या मास मीडिया में अपना करियर बनाना है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आप काम कर सकते हैं प्रिंट मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, टेलीविज़न प्रोडक्शन में, एंटरटेनमेंट में, बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे कि न्यूज़ में एंड व्हाट नॉट। कोर्स करने के बाद बहुत प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल बेसिस पे आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिलेगा कि व्हाट यू नीड टू बी अ बेस्ट जर्नलिस्ट, क्योंकि प्रेस का रोल सबसे बड़ा होता है डेमोक्रेसी में, यू ऑल नो।
तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल्स, क्रिएटिव राइटिंग और क्रिएटिव थिंकिंग, और आपको अगर लॉ वगैरह पॉलिटिक्स में भी थोड़ी बहुत इंटरेस्ट है और आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और आप बहुत ही जॉली इंसान है, तो आपको ज़रूर ये ज्वाइन करना चाहिए। हमारा जो 6th कोर्स है वो है BFD, बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन। बहुत पॉपुलर है और इसको करने के बाद आपको बहुत अच्छे अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपको बहुत क्रिएटिव होना चाहिए, आपका इमेजिनेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए और आपकी फैशन सेंस सबसे अच्छी होनी चाहिए। आपको हर जगह की नॉलेज होनी चाहिए कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर क्या है फैशन सेंस। अगर आप में ये थोड़ा बहुत भी है तो आपको ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए और आपका ग्रूम तो हो ही जाएगा, आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा जब आप ये कोर्स करेंगे। की बात करें तो जॉब आपको सिर्फ नेशनल लेवल पे ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी मिल सकता है अगर आप बहुत अच्छे फैशन डिज़ाइनर बन के निकलते हैं। आप में अगर ये क्वालिटीज़ होंगी जो मैंने अभी आपको बताई है, तो आप सच में बहुत अच्छी जॉब्स पा सकते हैं। बाद ऑफकोर्स अगर आप बैचलर्स कर लेते हैं फैशन डिज़ाइन में, तो आपको लोकल लेवल पे जॉब बहुत अच्छी मिलेंगी। अगर आप एक अच्छे फैशन डिज़ाइनर बनते हैं तो आपकी स्किल्स अच्छी होंगी, आप बहुत ही ज़्यादा आपकी यूनिक आइडियाज़ होंगे, तो आपको लोकल लेवल पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह में बहुत अच्छे ऑफर्स मिलने लगेंगे। और अगर आप फर्दर स्टडीज़ करते हैं इसी पर्टिकुलर कोर्स में, तो ऑफकोर्स यू विल गेट इंटरनेशनली जॉब्स। हमारी 7th और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट प्रेफर्ड कोर्स जो है उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ, वो है बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट। जी हाँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रेफर्ड कोर्स होता है और इसका एक मेन रीज़न ये है, इसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो अराउंड द ग्लोब है। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी, आप में बहुत पेशेंस है, तो आपको ये स्कोप, करियर स्कोप ज़रूर ही चूज़ करना चाहिए। करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलने वाला है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ सीखेंगे, ग्रूम हो जाएंगे, और बेसिक चीज़ें जो आप सीखेंगे वो है हॉस्पिटैलिटी और कस्टमर सर्विस। आपको अराउंड द ग्लोब मिलेंगे, जैसे कि बहुत सारे होटल से मिलेंगे, और इसमें बहुत वर्सिटैलिटी है जॉब में, अपने अकॉर्डिंग टूरिज्म में, या फिर आप बेवरेज इंडस्ट्री, या फिर आप लॉजिंग, या फिर आप मैनेजमेंट, कुछ भी आप हैंडल कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं, आपको जितने एक्सपीरियंस होगा उतने बेटर जॉब्स आपको मिलेंगे। मैनेजर, अकोमोडेशन मैनेजर, बेवरेज इंडस्ट्री में बेवरेज जो होता है वो आप सर्व करने के लिए मिल सकता है, और इसमें कुछ शर्म की बात नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे इन्हीं अब्रॉड में भी, और आपको 5-star होटल्स में भी आपको रहने का मौका मिलेगा। टॉप 7 कोर्सेज जो कि आप कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा इनकम सोर्स भी होगा, और आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ऑफकोर्स चूज़ करें। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड कीप शोइंग योर लव। मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो को बनाने के लिए, तो थैंक यू सो मच।